हाय गाइस, मैं हूँ जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है हंटर हंटर का सीज़न नंबर 2। हाँ, मुझे पता है इसके लिए आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो इसीलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, लेट्स गिव अ रिकैप ऑफ द फर्स्ट सीज़न, जहाँ से ये सिर्फ ख़त्म हुआ था। हंटर हंटर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गॉन और किलुआ डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें ट्रेनिंग भी करनी है और पैसा भी कमाना है। तो ये बात सुनकर किलुआ हेवेंस अरेना जाने के बारे में सजेस्ट करता है। और इस एपिसोड की शुरुआत में, यानी कि इस नए सीजन की शुरुआत में, हम गॉन और किलुआ को एक एयरशिप में बैठकर हेवेंस अरेना की तरफ जाते हुए देखते हैं। अब किलुआ गॉन को बताता है कि हेवेंस अरेना में टोटल 251 फ्लोर्स हैं, जो कि कुछ 1000 मीटर बड़ा है। अब हम लोग देख पाते हैं कि एयरशिप लैंड होते ही गॉन और किलुआ उससे निकल कर हेवेंस अरेना में एंटर करने के लिए लाइन में लग जाते हैं। अपने सामने इतनी लंबी लाइन देखकर गॉन पूछता है कि क्या यहाँ पर इतने सारे लोग कम्पीट करने के लिए आए हैं। किलुआ कहता है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर बस एक ही रूल है कि आपको अपने अपोनेंट को नॉक करना है। हाँ, तुम जितना ऊपर जाते जाओगे तुम्हें उतने ही ज़्यादा पैसे मिलते रहेंगे। अब किलुआ और गॉन दोनों ही रजिस्टर कर लेते हैं और दोनों को अपने अपने नंबर्स भी मिल जाते हैं। किलुआ होता है 2054 और गॉन को मिलता है 2055। दोनों जाते हैं और अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं। तब बातों बातों में किलुआ बताता है कि वो यहाँ पर पहले भी आया है जब वो सिर्फ 6 साल का था, बट उस टाइम वो सिर्फ 200 फ्लोर तक ही पहुँच पाया था और वहाँ तक पहुँचने में उसे 2 साल लग गए थे। इतनी देर में गॉन के फाइट की बारी जाती है, बट क्योंकि गॉन थोड़ा सा नर्वस था तो किलुआ उसे बोलता है कि तुमने हंटर एग्जाम पास किया है तो ये सब तुम्हारे लिए बायां तक खेल है। गॉन फाइट के लिए रिंग में जाता है एंड हम देख पाते हैं कि गॉन का अपोनेंट एक अच्छा खासा बड़ा और मोटा आदमी था। बट किलुआ की बात याद करते हुए गॉन उस बंदे को एक धक्का देता है और उतने में वो दूर जाके एक दीवार से टकरा जाता है। देन गॉन खुद के हाथ को चेक करने लगता है और सोचता है कि वो इतना पावरफुल कब और कैसे हो गया। और वहाँ खड़ा रेफरी गॉन को एक चिट देता है और उसे सीधा 50th फ्लोर में जाने के लिए बोल देता है। अब बारी आती है किलुआ के फाइट की, जो कि बिना किसी एफर्ट के भी बस एक कराटे चॉप से अपने अपोनेंट को नॉक कर देता है। और वहाँ खड़ा रेफरी उसे भी एक चिट देता है 50th फ्लोर पर जाने के लिए। अब किलुआ अपने से भी एक छोटे बच्चे को नोटिस करता है, जो कि अपने अपोनेंट को एक ही पंच में हरा देता है एंड 50th फ्लोर पर प्रमोट हो जाता है। अब हम लोग एलिवेटर का सीन देख पाते हैं, जहाँ की एक स्टाफ मेंबर गॉन और किलुआ को बताती है कि कैसे हेवेंस अरेना में फाइट्स क्लासेस के हिसाब से होती है। मतलब अगर आप जीतोगे तो सीधा 10th फ्लोर प्रमोट हो जाता है और अगर हारने पर उसका सीधा उल्टा, यानी कि आप 10th फ्लोर नीचे आ जाते हो। यहाँ वो दूसरा बच्चा बताता है कि जब हम लोग 100th फ्लोर पर पहुँच जाएंगे तो हमें अपना खुद का एक कमरा भी मिलता है। और किलुआ भी जूसी की बात को कन्फर्म करता है। हाँ, उस बच्चे का नाम बाय द वे जूसी होता है। अब जूसी गॉन और किलुआ को उनके मार्शल आर्ट्स के बारे में पूछता है और वो लोग बताते हैं कि वो कोई भी मार्शल आर्ट्स नहीं करते, जिसे सुनकर कि जूसी को बहुत ही बड़ा शौक लगता है कि वो लोग बिना मार्शल आर्ट्स किए इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। उसी वक्त वहाँ जूसी का मास्टर विंग आ जाता है और उसे उसके परफॉर्मेंस के लिए शाबाशी देता है। अब विंग गॉन और किलुआ को यहाँ आने के लिए उनका रीज़न पूछता है। किलुआ बताता है कि यहाँ उन्हें ट्रेनिंग के साथ साथ पैसे भी मिल जाएंगे, इसीलिए वो लोग यहाँ पर आए हैं। अब वो लोग अपने फर्स्ट फ्लोर के रिवॉर्ड कलेक्ट करते हैं एंड देन 50th फ्लोर पर फाइट के लिए रजिस्टर करते हैं। बाय द वे, फर्स्ट फ्लोर पर जीतने का जो उनका अमाउंट था वो टोटल था 152 जेनिस, जिससे मुश्किल से सिर्फ एक सोडा का कैन आ सकता है, यानी कि एक कोक की एक बोतल मिल सकती है बस तुम्हें। और किलुआ बताता है कि 50th फ्लोर पर जीतने पर हमें 50,000 जेनिस मिलेंगे। और इसी तरीके से जैसे जैसे वो लोग ऊपर जाते रहेंगे उन्हें और भी ज़्यादा पैसा मिलता रहेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग तीनों को वेटिंग रूम में देख पाते हैं, जहाँ पर जूसी और किलुआ के मैच की अनाउंसमेंट होती है। कौन दोनों को ही बेस्ट ऑफ द लक विश करता है और वो दोनों फाइट के रिंग में चले जाते हैं। फाइटिंग रिंग में हम दोनों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा पाते हैं और वहाँ उनके प्रीवियस मैच का टेलीकास्ट हो रहा होता है, जिसके बेसिस पर वहाँ पर बैठे लोग वोट करते हैं कि कौन इस मैच को जीतेगा। और यहाँ ऑडियंस जूसी को फेवर कर रही होती है, जिससे कि किलुआ का ईगो हर्ट हो जाता है और वो जूसी को एक ही बार में नॉकआउट करने का कसम खा लेता है। देन जूसी अपने स्टांस लेकर फाइट करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, वेल किलुआ पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हुआ होता है, मानो कि बंदा गार्डन में घूमने आया हो। फाइनली फाइट शुरू हो जाती है और किलुआ आराम से चलते हुए जूसी के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और उसको पीछे जाकर उसके नेक पर एक कराटे चॉप मारता है। और सही बता रहा हूँ, बड़ा ही तगड़ा अटैक था। जूसी भी नीचे गिर जाता है उस अटैक से। मुझे तो लगा था कि भाई, टू बी ऑनेस्ट, जूसी खड़ा नहीं हो पाएगा, बट टू आवर सरप्राइज जूसी वापस उठ के खड़ा हो जाता है एंड किलुआ इस बार
और ज़्यादा ज़ोर से सिमिलर एक अटैक करता है, जिससे कि जूसी फिर से गिर जाता है, बट वो इस बार पहले से ज़्यादा जल्दी उठकर खड़ा हो जाता है। किडवा जूसी को इतने ईजिली उठते हुए देखकर शॉक हो जाता है, पर वो सोचता है कि उससे तो अभी तक बेहोश हो जाना चाहिए था। हम जूसी को एक नया स्टैंस लेते हुए देख पाते हैं, जो कि अपने चारों तरफ एक नया ऑरा एमिट कर रहा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो यह ऑरा इल्यूमी ने जो हंटर एग्जाम के एंड में ऑरा एमिट किया था उससे बहुत ही सिमिलर है, और यह किलुआ पर काम भी कर जाता है, क्योंकि किलुआ डर कर इससे पीछे हटने लग जाता है। पर इससे पहले कि किलुआ हार मानता, ऑडियंस में से विंग खड़ा होकर जूसी को चिल्ला देता है और जूसी रुक जाता है। और यहाँ पर सीन कट होता है और हमें मैच के बाद किलुआ गॉन से बात करते हुए दिखाया जाता है। गॉन किलुआ से पूछता है कि आखिरकार तुम इतना टाइम कैसे लगा, क्या जूसी सच में इतना स्ट्रांग था? किलुआ आंसर करता है कि नहीं, मैं तो बस उससे जीत तो गया ही था, बट मैं उसे नॉकआउट नहीं कर पाया और इसीलिए टाइम लग गया। किलुआ आगे बताता है कि कैसे जूसी से ऑरा देखकर उसे डर लगने लगा था, जैसे कि उसे उसके भाई इल्यूमी के ऑरा से डर लगता है, और इसी ऑरा का राज जानने के लिए उसने जूसी का पीछा किया और उसे पता लगा कि उस पावर को रेन बोलते हैं। बेसिकली यहाँ किलुआ डिसाइड करता है कि उससे भी इस पावर के बारे में जानना होगा, ताकि वो आगे जाकर जरूरत पड़ने पर इल्यूमी के साथ फाइट कर सके। अब हम लोग गॉन और किलुआ के और भी मैचेस को देख पाते हैं, जहाँ पर किलुआ सभी को गले पर कराटे चॉप मारकर बेहोश कर रहा होता है, वहीं दूसरी ओर गॉन सभी को एक ही धक्के में हरा रहा होता है। एंड देन फाइनली अपने 90th फ्लोर वाले अपोनेंट को भी वो लोग इजीली हरा देते हैं, एंड देन 100th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। अब 100th फ्लोर पर उन्हें उनके अपने अपने प्राइवेट रूम्स भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में गॉन के रूम में किलुआ आता है और उसे बताता है कि ये रूम उन्हें बस 100th फ्लोर पर ही मिलेगा, और एक भी मैच हारने पर उनसे ये रूम छीन लिया जाएगा। बट यहाँ 100th फ्लोर पर भी उनके बराबर का कोई भी नहीं होता है, और वो दोनों 150th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, और वो भी बस एक ही अटैक में सारे अपोनेंट्स को नॉक करके। अब वहाँ पर रिसेप्शन से अवार्ड कलेक्ट करने के बाद किलुआ गॉन को बताता है कि पिछली बार मुझे इस जगह पर पहुंचने पर, यानी कि 150th फ्लोर पर पहुंचने में 2 महीने का वक्त लगा था, और तुम तो एक ही हफ्ते में पहुंच गए। और गॉन उसे बताता है कि उस टाइम तुम 6 साल के भी तो थे। थोड़ी देर के बाद वो लोग टीवी में जूसी को देखते हैं, जो कि अभी भी 50th फ्लोर पर ही था एंड अपने रन पावर को यूज़ नहीं कर रहा था। किलुआ बोलता है कि उसे उस रन पावर के बारे में और भी जानना है, तो गॉन उसे रेकमेंड करता है कि क्यों ना हम लोग इसके बारे में डायरेक्ट जाकर जूसी से ही पूछ लिए। नेक्स्ट सीन में ये दोनों जूसी के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं रेन के बारे में। सर जूसी उनके क्वेश्चन का आंसर तो देता है, बट किसी को कुछ समझ में नहीं आता। और तभी पीछे से विंग आता है और वो जूसी को बताता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो किसी को भी रेन के बारे में समझाने के लिए। विंग उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार उन्हें इस पावर के बारे में क्यों जानना है। किलो उसे बताता है कि उसका बड़ा भाई यानी कि इल्यूमी भी कुछ इसी तरीके की पावर का यूज़ करता है, और उसे टैकल करने के लिए वो भी इस पावर के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। किलुआ का कारण सुनने के बाद विंग उन्हें समझाने के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है, एंड गॉन और किलुआ भी उसके घर जाने के लिए निकल जाता है, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम गॉन, किलुआ और जूसी को विंग के घर पर देख पाते हैं, जहाँ विंग उन सबको उसकी पावर के बारे में बता रहा होता है। विंग उन्हें कहता है कि हम सबसे पहले जानेंगे नैन के बारे में। नैन का मतलब होता है लाइफ एनर्जी। हाँ, वही एनर्जी जो कि हम सभी के अंदर होती है, बट विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग वो लीक करती रहती है। सिंपल टर्म्स में नैन की ट्रेनिंग करना मतलब अपने विल को ट्रेन करना, यानी कि अपने विल पावर को और भी स्ट्रांग बनाना। अब इस नैन के अंदर 4 प्रकार के एक्सरसाइज कहूँ या फिर कहूँ प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला होता है 10, यानी कि अपने माइंड को एक ही जगह पर फोकस करना। उसके बाद आता है ज़ेत्सो, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, आइदर बोल के या फिर सोच कर। देन आता है रेन, यानी कि तुम्हारा टेम्पर या फिर कहूँ तुम्हारा गुस्सा। और आखिर में आता है हत्सु, यानी कि उस बात पर एक्ट करना। आगे विंग बताता है कि जूसी ने उस मैच में अपना टेम्पर दिखाया था, जिसे कि हम लोग रेन कहते हैं। देन विंग इस पावर को किलुआ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बोलता है कि मैं तुम्हें मारना चाहूँगा और तभी मैं इसको एक्सप्रेस कर पाऊँगा। तो किलुआ मज़े में बोलता है कि जी बिल्कुल, कर लो कोशिश अगर तुम मुझे मार सको तो। विंग ने इतना कहने के बाद अपना स्टांस ले लेता है और उसकी चारों तरफ एक पर्पल ऑरा को हम लोग नोटिस कर पाते हैं। देन विंग अपनी आंखें खोलता है और वो ऑरा और भी ज़्यादा इंटेंसीफाई कर देता है, जिससे कि गॉन और किलुआ दोनों ही डर जाते हैं, बल्कि किलुआ तो डर के मारे सीलिंग से चिपक जाता है। देन विंग अपने ऑरा को रोक देता है, जिससे कि किलुआ नीचे आता है। विंग उसे कहता है कि ये जो तुमने अभी देखा, इसे ही हम लोग रेन कहते हैं, जिससे कि मैंने तुम्हें बिना फिजिकल एक्शन के भी डरा दिया, और इसी कारण से रेन काफ़ी खतरनाक भी होता है। सो इसीलिए तुम्हें रेन का यूज़ तब तक नहीं करना है जब तक कि तुम्हारी सोल मैच्योर नहीं हो जाती है। पर किलुआ इनमें से कुछ भी नहीं सुनता है और वो गॉन को लेके वहाँ से चला जाता है।
बाहर जाकर जब गॉन उसे पूछता है तो केलॉग उसे समझाता है कि विंग ने इन सभी बातों में कई सारी चीजें छुपाई हैं और झूठ भी कहा है, जैसे कि ये नहीं समझाया कि जूसी इतना स्ट्रांग कैसे है और उसने मेरे सारे अटैक्स को कैसे सह लिया। इवन मैंने गुस्से में आकर एक पंच तो ऐसा मारा था जिससे कि उसे मरी जाना चाहिए था, बट फिर भी वो उसे सह गया। किलो आगे बताता है कि सिर्फ विल पावर से जूसी इतनी देर तक नहीं खड़ा रह सकता था, पक्का कुछ और भी है जो कि विंग हमसे छुपा रहा है। अब सीन विंग की ओर शिफ्ट होता है, जहां पर कि जूसी विंग से पूछता है कि आखिरकार उसने इंपॉर्टेंट बातें उनसे क्यों छुपाई। विंग जवाब देता है कि नैन की पावर बहुत ही खतरनाक है और अगर ये किसी बुरे हाथों में लग जाती है तो ह्यूमन काइंड के लिए काफी बुरा होगा और इसीलिए मैंने उनसे सच छुपाया। और उसी के साथ वो नैन की असली पावर को डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाता है, जैसे कि वो पेपर पर नैन का यूज करके एंड देन उसे थ्रो करता है, एक जो कोक का कैन होता है दो हिस्सों में बढ़ जाता है, यानी कि इससे हम लोग समझ सकते हैं कि नैन के अंदर इतनी पावर है कि वो एक पेपर को भी एक ब्लेड में कन्वर्ट कर सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है एंड हम गॉन और किलुआ को फ्लॉलेसली अपने सारे अपोनेंट्स को एक ही शॉट में नॉक करते हुए देख पाते हैं और फाइनली वो लोग 200th फ्लोर पर प्रमोट हो जाते हैं। और हम जूसी और विंग को देखते हैं जो कि टीवी के थ्रू ये देख रहे होते हैं कि गॉन और किलुआ फाइनली 200th फ्लोर पर पहुंच चुके हैं और विंग अब कहता है कि लगता है मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है, मुझे इन दोनों को नैन के बारे में सिखाना ही पड़ेगा। और ऐसा कहने के बाद वो विंग 200th फ्लोर पर जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग गॉन और किलुआ को देख पाते हैं जो कि पहले से ही 200th फ्लोर पर पहुंच चुके होते हैं, जो कि काफ़ी आलीशान लग रहा होता है। वो दोनों ही रिसेप्शन को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं, बट आगे उन्हें एक छोटा सा पैसेज या फिर कहूँ एक छोटी सी गली दिखाई देती है जहाँ पर उन्हें कुछ सेंस या फिर कहूँ उन्हें कुछ महसूस होता है, बट एज अ व्यूअर हम उसे देख नहीं सकते तो इसीलिए हम कुछ एक पर्पल ऑरा को देख पाते हैं और इसीलिए गॉन और किलुआ को भी डर लग रहा होता है, पर स्टिल वो अपने डर पर कंट्रोल करते हुए पैसेज में एंटर करते हैं। हालांकि दोनों की ही वहां जाने से फट रही होती है, बट किलुआ हिम्मत दिखाते हुए कहता है कि हम दोनों ये कर सकते हैं और ऐसा कहकर वो दोनों उस पैसेज में आगे जाने लगते हैं। और कुछ देर बाद वो ऑरा और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और दोनों अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहे होते, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि डर के मारे वो दोनों हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। बट फाइनली किलुआ के चिल्लाने पर वहां से एक लड़की बाहर आती है जो कि रिसेप्शनिस्ट ही होती है। वो लड़की उन्हें बोलती है कि आप दोनों को 200th फ्लोर के मैच के लिए आज ही रजिस्टर करना होगा, आज ही का मतलब है 12 बजे से पहले, और इस फ्लोर पे किसी भी तरह का वेपन्स भी अलाउड है। और दूसरी बात ये, यहाँ पर जीतने पर आपको कोई भी मनी एज अ रिवॉर्ड की तरह नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग लड़ते हैं वो अपने प्राइड और ग्लोरी के लिए लड़ते हैं, बेसिकली कहूँ तो अपने आत्मसम्मान के लिए। बाय द वे मुझे तो ऑनेस्टली नहीं लगता कि इतनी खतरनाक ऑरा इस लेडी से आ रही थी, और सेम टू सेम यही बात किलुआ भी मेरी बात से एग्री करता है कि तभी उस लड़की के पास एक कार्ड या फिर कहूँ एक ताश का पत्ता यानी कि 3 of clubs आके गिरता है। और ताश के पत्ते का मतलब होता है करेक्ट हिसोका। हिसोका को वहाँ देख कर गॉन और किलुआ शॉक हो जाते हैं और वो उसे वहाँ होने का उसका रीज़न पूछता है और वो कहता है कि तुम दोनों का वेट कर रहा था मैं यहाँ पर, जब तुमने अपने हंटर कार्ड का यूज़ किया यहाँ पर आने के लिए, तुमने टिकट बुक की, मैं तभी समझ गया था कि तुम लोग यहाँ पर आ रहे हो, और क्योंकि मैं तुम लोग का यहाँ पर सीनियर हूँ तो मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अभी तुम दोनों इस काबिल नहीं हुए हो कि तुम यहाँ 200th फ्लोर पर सर्वाइव कर सको। पर ऐसा कहकर हिसोका उस पैसेज के एंड में बैठ जाता है और अपने रेन को एक्टिवेट कर लेता है ताकि गॉन और किलुआ आगे ना बढ़ पाए, बट स्टिल गॉन आगे बढ़ता है। बट तभी हमें उसके पीछे से किसी की आवाज़ आती है कि बेवकूफ़ी मत करो, और ऐसा कहते हुए विंग वहाँ पर आ जाता है और आकर उसे कहता है कि अगर तुम लोग ऐसा ही आगे बढ़ते रहे तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे पास रेन का कोई काउंटर नहीं है, मतलब कि उसके खिलाफ तुम्हारे पास कुछ बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। किलुआ के कन्फ्रंट करने पर विंग बताता है कि उसने पिछली बार जानबूझकर सच्चाई छुपाई थी, बट इस बार उसके पास कोई और चारा नहीं है तो वो उन्हें सब कुछ सही सही बताएगा। और अब ये दोनों विंग के इस ऑफर को मान जाते हैं। गॉन रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि अगर वो लोग आज मिडनाइट तक नहीं आ पाए तो क्या होगा, और वो लड़की बताती है कि गॉन को फर्स्ट फ्लोर से फिर से ट्राई करना पड़ेगा, बट किलुआ को तो हेवेंस अरिना से बैन कर दिया जाएगा क्योंकि वो यहाँ पर पहले भी 200th फ्लोर पर आ चुका था बट बिना रजिस्टर किए ही चला गया था, मतलब भाई अपने भाई के खाते हर जगह खुले हुए हैं। किलुआ विंग से पूछता है कि अगर वो लोग सीखना शुरू करेंगे तो क्या वो लोग मिडनाइट से पहले वापस आ पाएंगे। विंग कहता है कि ये तो लर्निंग कैपेबिलिटी के ऊपर है, और इतना कहते ही वो लोग विंग के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों और जूसी को एक साथ विंग के घर पर देख पाते हैं जहाँ पर विंग उन्हें फिर से उस पावर के बारे में बताता है। विंग उन्हें कहता है जैसा कि मैंने पहले या फिर कहूँ पिछली बार तुम्हें कहा था कि हम सभी के अंदर लाइफ एनर्जी होती है जिसे कि हम लोग
नैन कहते हैं। नॉर्मली ये लाइफ एनर्जी लीक हो रही होती है, बट इसी नैन को कंट्रोल करके अगर हम लोग बॉडी के चारों तरफ कंटेन कर लेते हैं, इसे हम लोग टेन बोलते हैं। टेन की मदद से हम अपनी बॉडी को और भी टफ बना सकते हैं ताकि हमें चोट ना लगे। और उसके बाद आता है जेत्सु, और इसका मतलब होता है नल, यानी कि अपनी लाइफ एनर्जी को छुपा लेना ताकि तुम्हारा कोई भी एनिमी तुम्हें नोटिस ही ना कर सके। और फिर आता है जेत्सु, और उसकी हेल्प से हम अपने आप को रिकवर कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। और फिर आता है रेन, और रेन की हेल्प से अपने ऑरा को एनहेंस करके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। गॉन और किलुआ को टेस्ट करने के लिए विंग एक छोटा सा रेन यूज़ करता है और उन दोनों से पूछता है कि क्या उन्हें कुछ फील हो रहा है। गॉन और किलुआ दोनों ही उसे सेंस कर पाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें एक हल्का सा प्रेशर फील हो रहा है, और इन दोनों की स्ट्रॉन्ग सेंस को देख कर विंग भी इम्प्रेस हो जाता है। विंग आगे बताता है तुम रेन की हेल्प से किसी की जान भी ले सकते हो अगर उसके पास टेन ना हो तो, और इसीलिए हिसोका चाहे तो तुम्हें मार भी सकता है। अगर तुम दोनों को हिसोका के रेन को क्रॉस करना है तो तुम लोगों को अपना टेन सीखना ही होगा, और अगर तुम लोग टेन यूज नहीं करोगे देन। इतना कहने के बाद विंग पास के वॉल पर अपना हाथ रखता है और थोड़ा सा रेन यूज करता है, और इतने से रेन से ही वहां के वॉल्स में क्रैक आ जाते हैं। एंड देन विंग बोलता है हिसोका तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल कर सकता है टेन नहीं यूज करते हो तो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो जो है कल आने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। हम लोग डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करने वाले हैं, हमसे कोशिश नहीं कर रहे हैं, ओके। आपको प्रूफ मिल जाएगा कल ही कल, ओके। सो प्लीज गिव अ थम्स अप। बहुत टाइम बाद हम लोग वापस आ रहे हैं, तो प्लीज यार थोड़ी सी हेल्प कर दो भाई को, है ना। एंड लगातार जो है वीडियो हम लोग थ्रू आउट द वीक लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर तुम लोगों ने नहीं किया है तो। आपसे चैनल वीडियो रेगुलर आएंगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू गाइस, सो सी यू टुमारो, ओके।